आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के भतीजों से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधार के रुपए मांगने पर रेखा आर्या के भतीजों ने व्यापारी और उसके साथ आए तीन अन्य साथियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर प्लाईवुड व्यापारी अनुराग को गोली मार दी, जिसके बाद अनुराग को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता ये प्लाईवुड व्यापारी अनुराग है। अनुराग के परिजनों का आरोप है कि मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी के भतीजे टिंकू ने एक साल पहले उनकी प्लाईवुड की दुकान से 80,000 रुपए का सामान उधार लिया था। कल शाम टिंकू ने पेमेंट करने के लिए बारादरी थाना क्षेत्र स्थित पीलीभीत रोड पर अपने घर पर बुलाया, जहां पर टिंकू और सौरभ और उसके दो अन्य साथियों ने अनुराग और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। टिंकू ने अनुराग को गोली मार दी। मामला ये है कि ये लोग रिंकू और सौरभ, ये दोनों लोग लगभग करीबन 90,000 रुपये का सामान पिछले 2020 में ले गए थे, जून में। तो उन्होंने मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये दिए थे, अभी रह गए 60-65 हज़ार रुपये रह गए थे। तो वो इन्होंने जो है बातचीत ऐसी होती रहती थी, बोले चलो मैं दे दूँगा, तो इन्होंने घर पर बुला लिया। ऐसे ही नहीं, काफ़ी इनका जो है व्यवहार अच्छा नहीं था। फिर बाद में इन्होंने जा करके फिर जो है ये सब लोग ये वगैरह भी हो सकते हैं, मैं तो इतनी जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने जो है वो बच्चों पे हमला कर दिया। हाँ, बोले पैसे ले जाओ, अच्छा भी बता रहे हैं तुम्हारे। किन लोगों ने हमला दिया? सौरभ और टिंकू, इन दोनों लोगों ने हमला कर दिया। तो बच्चे फिर भाग आए। हाँ, उनके गिरधारी पप्पू विधायक जी हैं, जो पहले शायद हैं वहाँ उत्तराखंड में हैं, उनके भतीजे ही हैं सभी भतीजे। दो लोग बाइक से आए और सीधे स्ट्रेट फायरिंग करने लगे। उसमें से मुझे इतना याद है, उसने एक फायर करा, दूसरा लड़का जब उसका गोली का फायर खत्म हो गया, वो दूसरे लड़के के पास भागते हुआ आया, उससे बोला गोली दे गोली दे गोली दे, उसने फिर फायर करा। जब मैंने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करी, उसके हाथ में डंडा था और डंडे के आगे कुछ लगा हुआ था धारदार, उसने मेरे मारा, इस वजह से ये चोट आ गई। और जो एक लड़का आकाश था जो मेरे साथ पिज्जा खा रहा था, तब उसने उसे पकड़ने की कोशिश करी, उसने उसके सर पर बट मार दी, तो उसका पूरा खून निकल रहा है। उसका कल मेडिकल वगैरह भी सब हुआ है, वो अभी घर पे है, अपना रेस्ट कर रहा है। ये सब क्या क्या सामान था, किस चीज़ का? उनका प्लाईवुड का काम है जी, प्लाईवुड का काम है, तो उन्होंने अपने घर पे कुछ काम करवाया होगा। टिंकू ने जी, अनुराग सिंह का प्लाईवुड का काम है, तो टिंकू राठौर और क्या नाम है सौरभ राठौर ने अपने घर पे कुछ काम करवाया होगा, तो उसी का पेमेंट निकल रहा था। और जो जितने भी उनके घर में काम करने वाले थे, उन लोगों ने और सौरभ राठौर के साथ में जो भी 5 बंदे आए थे, उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। मेरे मतलब मेरे स्टेट फायर भी किया, लेकिन मैं छुप गया थोड़ा बहुत। जैसा आपके भी चोट आई हुई है सर, उल्टा करके मतलब जो तमंचे का जो था वो मारा मेरे सर पे। मैंने फिर भी मतलब जैसे जैसे कि मैं वहाँ से निकला, लेकिन उन लोगों ने मतलब स्ट्रेट फायर भी करी, मैं छुप गया, उन्होंने उल्टा करके तमंचा मेरे सर पे मार दिया। और जैसे भी गोली लगी है। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ में आया था, मनी, जिसका नाम है अनुराग सिंह पटेल, वो बंदा भी हॉस्पिटल में भर्ती है, ICU में है वो बंदा, उसकी अच्छी खासी चोट लगी। मैंने अभी तो देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे भी अभी 3-4 के चोट आई। मैं इसलिए शाम था, मैं इसलिए पुलिस के पास भी नहीं गया, क्योंकि मतलब पुलिस आने वाली थी तो मैं अंदर भी नहीं गया, क्योंकि मेरे सर पे चोट लगी है। मुझे भी ये होता है, पुलिस के सामने दिखाना होता है कि सर पे चोट लगी है तो दिखाना पड़ता है, ये चोट चोट से लगी है। चलिए सर, क्या वादी मुनीश कुमार निवासी संजय नगर थाना बारादरी के द्वारा थाना बारादरी पर एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनके बेटे जो उधार के पैसे लेने के लिए गए थे, जिसमें टिंकू एवं सौरभ अपने अन्य दो साथियों के साथ इनके बेटे के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया, और इनका यह भी आरोप है कि जान से मारने की नीयत के दो प्रतिवादी पक्ष उनके द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। इस संबंध में थाना बारादरी पे 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो प्रतिवादी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें अग्रिम विधि क्रम सूचित कराई जाएगी। वहीं इस मामले में SPCT रविंद्र कुमार का कहना है कि अनुराग अपने उधार के रुपए लेने टिंकू और सौरभ के पास गए थे, इसी दौरान उन लोगों ने अनुराग और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। इस मामले में टिंकू, सौरभ और उसके दो साथियों के खिलाफ बारादरी थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास
किया जा रहा है। बरेली से अंकित पाठक, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज, सच का पहरेदार।